दोस्तों, कोहरे की ये खतरनाक तस्वीर सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं, जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, घना कोहरा है। रात्रि को 12 एक बजे कोहरा आता है, जो दिन में 12 एक बजे तक रहता है, यानी 24 घंटे में से 12 घंटे तक सुजानगढ़ कोहरे की चपेट में रहता है। और केवल सुजानगढ़ नहीं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चारों राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा आ रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक इसके बने रहने की संभावना जताई है, जबकि पिछले 9 दिन से लगातार कोहरा आ रहा है। दोस्तों, गरीबी में आटा गीला होने वाली कहावत चरितार्थ होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है, जिसमें बीकानेर डिवीज़न में ये फोरकास्ट की गई है। बहुत ही घने कोहरे का नज़ारा देख रहे हैं आप सुजानगढ़ से। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय चूरू जिला कड़ाके की सर्दी और कोहरे की भयंकर चपेट में आया हुआ है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। गाड़ियां लेट हो रही है, ट्रेनें लेट हो रही है, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। जिला कलेक्टर ने 10 जनवरी तक की छुट्टी घोषित कर दी है। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ सालासर रोड का दृश्य दिखा रहा हूँ। पेट्रोल पंप सर्किल पर देखिए, नज़दीक की चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और मैं इस समय आपको बता दूं कि इस सीजन में, इस मौसम में यात्रा करना बहुत ही घातक हो सकता है। जहाँ तक हो सकता है घर में रहें, यात्रा को टालें, क्योंकि इस बहुत घने कोहरे में अगर आप सफ़र करते हैं तो दुर्घटनाओं को खतरे बढ़ जाते हैं। और निश्चित रूप से चूरू वो ज़िला है जहाँ पर जब गर्मी होती है तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 डिग्री तक चला जाता है। और अगर सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी में जो है वो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इस समय तापमान जो है वो 5 डिग्री चल रहा है, हालांकि 0 डिग्री पर नहीं आया, लेकिन जमाव बिंदु पर है, जगह जगह बर्फ जम रही है। तो आइए देखते हैं कि इस समय सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, 8 बजे का ये मौसम आप देख रहे हैं, तो सुबह 6 बजे तो पास की चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। सुजानगढ़ सालासर रोड पर आप देख रहे हैं घना कोहरा, नज़दीकी चीज़ें भी साफ नज़र नहीं आ रही है। देखिए कितना घना कोहरा है। मॉर्निंग वॉक करने वाले अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। देखिए देखिए कितना घना कोहरा है, नज़दीकी चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही है, धुंधली धुंधली नज़र आ रही है। जबकि सुबह के 8 बज चुके हैं, मैं आपको बता दूं ये 8 बजे का नज़ारा है, सुबह 6 बजे का नज़ारा नहीं है। ये दृश्य सुजानगढ़ का आप देख रहे हैं। दोस्तों, जब कोहरा आता है, कड़ाके की सर्दी होती है, तो अलाव के पास बैठने से बहुत राहत मिलती है, बड़ा आनंद आता है, तपने का भी एक अलग मजा है। और मेरे हाथ जो हैं सुन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने माइक पकड़ रखा है, जेबों में हाथ डाल नहीं सकता, उंगलियां सुनी हो रही है, तो वास्तव में अलाव तपने का मज़ा बहुत होता है। कोहरे और सर्दी में जब मैं बाहर निकलता हूँ, वैसे मैं अलाव नहीं तपता, लेकिन ऐसे मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उंगलियां जो हैं हाथों की वो सुन्न हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपने बच्चों का ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके यात्रा नहीं करें। मैं इस समय आपको पेट्रोल पम्प सर्किल का दृश्य दिखा रहा हूँ, जो एक बस स्टैंड है जहाँ पर गाड़ियाँ खूब आती है, और गाड़ियों में भी इस समय भीड़ कम नज़र आ रही है। ये देखिए बस स्टैंड पर पारी जी अपनी ड्यूटी के पक्के हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं। बहुत कड़ाके की सर्दी है, देखिए पूरी तरह से सर्दी का बचाव कर रखा है इन्होंने, मास्क भी लगा रखा है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप भी आ गया है, और शॉल, स्वेटर, कोट सब कुछ पहन रखे हैं। लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं और मौका मिलने पर अलाव भी तप रहे हैं। ये देखिए गाड़ियों के आसपास सवारियां नजर नहीं आ रही है। देखिए सवारियों ने भी सर्दी का पूरा बचाव कर रखा है, चाय की चुस्कियां लिए जा रही है, क्योंकि सर्दी से ही बचाव है। बहुत ही घना कोहरा है आज। देखिए बोर्ड पर आप देख रहे हैं, जयपुर, सीकर, फतेहपुर, सालासर, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा
सर्दी और कोहरे की चपेट में है। सालासा रोड का दृश्य आप देख रहे हैं, देखिए वाहन नज़दीक आने पर नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी ने लाइट्स ऑन कर रखे हैं, गाड़ियां लाइट्स ला कर चल रही है। कितना घना कोहरा आप देखिए, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। इंसान पक्षी जानवर सभी सर्दी से प्रभावित हैं। सुंदर नजारा है। देखिए सुंदर सुंदर नजारे, कि कितना घना कोहरा है, ये पानी के आसपास कोहरा और ज्यादा हो जाता है। देखिए सर्दी से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव तप रहे हैं, बहुत ही कड़ाके की सर्दी है। देखिए जगह जगह लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तप रहे हैं। दोस्तों कड़ाके की सर्दी और कोहरे में ये कार्यक्रम इसलिए हम बनाते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये मौसम बच्चों के लिए जानलेवा होता है। घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं उनका पूरा ध्यान रखें। जिला कलेक्टर ने बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि बच्चों के लिए मौसम बहुत ही खराब होता है। जहां तक हो सके यात्रा को टालें, जब तक घना कोहरा हो यात्रा नहीं करें, क्योंकि ऐसे मौसम में दुर्घटनाओं का अग्रह भी बढ़ जाता है। पारा जमाव डिग्री पर चल रहा है, बर्फ जम रही है, ऐसे में अगर आप बाहर निकलें तो बीच बीच में जहाँ अलाव हो वहाँ पर अलाव भी तप लें ताकि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए। जैसे ये अलाव आपकी सर्दी को दूर करता है, वैसे आपकी सावधानी भी आपकी रक्षा करती है। ऐसे सुलग लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेस योगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।